मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं मोचा करी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मोचा को काट लेना है। तो ये देखिए, ये वाली पार्ट और एक ये वाली पार्ट है, इसे निकाल लेनी है। उसके बाद मैं इसे बारीक करके काट लूँगी। ये मैंने पहले से छुड़ा के रखी हूँ, अब मैं इसे काट लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर चने दाल यूज़ कर रही हूँ, मैं बारीक काट चुकी हूँ। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। अच्छी तरीके से मुझे इसे बॉईल करना है और साथ ही मैं इसमें चने की दाल भी ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, नमक, बस ये देखिए मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी। मेरी मोचा भी बॉईल हो गई है, अब मैं इसकी करी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने फ्राइंग पैन में पहले से ऑयल गर्म करके रखी हूँ, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो अब मैं सबसे पहले गर्म मसाला दे देती हूँ इसमें। अच्छे से भूनने के बाद ही मैं इसमें थोड़ी प्याज, पहले लहसुन डाल देती हूँ। अब मैं उसे पूरी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपनी चिकन की तैयारी कर लेती हूँ। मेरी चिकन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। आज मेरा कुकिंग में काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं इसलिए एक साथ ही सब बना ले रही हूँ। ये और थोड़ी देर मुझे पकाना है, मुझे इसे गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्की सी हल्दी पाउडर, क्योंकि मैं पहले भी हल्दी पाउडर यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूँगी। अभी चिली पाउडर, जैसा तीखा चाहिए आपको, टमाटर, इसको मैं हल्की से फ्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं देना है। ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब मैं इसे ये बॉइल मोचा पे डाल देती हूँ। अब मुझे इसे अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि पूरी मसाला अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बाय द टाइम मेरी यहाँ पे चिकन भी कंप्लीट है। अब मैं इसमें थोड़ी सी गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, ग्रेवी के अनुसार मैं ऐसे कर रही हूँ। अब मैं इसे गरम मसाला पाउडर इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे गोटा गरम मसाला यूज़ की हूँ, उसमें मैं हल्की सी डाल रही हूँ। अब ये चिकन को भी मैं यहाँ पे ढक के पकाऊंगी। मेरी मोचा रेसिपी रेडी है फ्रेंड्स। अब मैं इसे थोड़ी सी ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव से मैं इसे गार्निश करूंगी। गार्निश करने के लिए थोड़ी सी घी, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। थोड़ी सी कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव से थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ, साथ ही ग्रीन चिली स्लेट की हुई। मेरी कुकिंग पूरी रेडी हो गई है। यहाँ मेरी चिकन भी रेडी है एंड यहाँ मेरी मोचा रेसिपी भी रेडी है। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगली बार फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।